Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will talk about heterotrophic nutrition. What is heterotrophic nutrition? पिछली वीडियो में हमने इससे मुतलक बात की थी, लेकिन अब इसके कुछ मेथड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन से मुतलक आपसे बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिशन इन दिस वीडियो. We talk about methods of plant nutrition. The plant generally obtain their food from the air or the water. आप जानते होंगे कि प्लांट जो हैं वो अक्सर अपनी जो खुराक हैं उनको हवा और पानी वगैरह से वो अपना लेते हैं. इन विच दे ग्रो, जिससे वो बढ़ते हैं, यानी जिससे उनकी अफजाइश होती है वो बढ़ते हैं और उनमें फल फूल लगते हैं. देयर हाउएवर सम स्पेशल मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो इनमें कुछ स्पेशल मेथड्स भी होते हैं उनकी खुराक के न्यूट्रिशन के भी. चार डिस्क्राइब बिलो, जिसको आपको बात करते हैं उससे मतलब. उसमें सप्रोपैथिक न्यूट्रिशन है, उसमें फीडिंग ऑन डेड एंड डिकाइंग मेथड सच एज डेड लीव्स इन द सॉइल आर रोटिंग ट्री ट्रंक्स इज कॉल्ड सप्रोपैथिक न्यूट्रिशन एंड drives its nutrients from host soluble products back into their cells. Some bacteria break down the proteins of dead plants and animals and release nitrates which are taken up by the plant roots and then built into new amino एसिड्स एंड प्रोटीन्स. तो इस सिलसिले में आपने जाना होगा कि इसमें जो मुख्तलिफ सेल्स हैं उसमें प्लांट्स वगैरह के, तो उसमें वो एसिड्स और प्रोटीन वगैरह वो कैसे हासिल करते हैं, उनमें बैक्टीरिया वगैरह जो है वो उस नाइट्रेट्स वो कैसे रिलीज करते हैं, दस हेल्पिंग इन द नाइट्रोजन साइकिल. तो इस सिलसिले में हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से मुतलक उस डेफिनेशन जानते हैं. फीडिंग बाई लिविंग इन और ऑन अदर organism that is host belonging to different species is called parasitic nutrition. तो इससे मतलब हमने ये डेफिनेशन अब जानी है. तो आगे जो है parasitic nutrition, feeding by living or another organism host belonging to different species is called parasitic nutrition. तो इसमें जो मुख्तलिफ अनवाज से तल्लक रखने वाले यानी मुख्तलिफ किस्म के जो तल्लक रखने वाले दीगर जानदार होते हैं, तो इन पर तो इसमें यानी कि फूड वगैरह जो है वो पैरासाइट यानी तो फैलिए दूसरों से हासिल करते हैं, जिसे हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. तो इस तरीके से पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होती है वो अटैच देमसेल्व्स टू लिविंग थिंग्स और देयर होस्ट फ्रॉम नरिशमेंट फॉर ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम हायर प्लांट. द पैरासाइटिक पेनिट्रेट्स इट्स सक्रेस इन द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द होस्ट. पुकिनिया इज पैरासाइटिक फंगस दैट डिस्ट्रॉयज द वीट प्लांट. डोडर कस्टूडा इज अ लीफलेस प्लांट दैट लिव्स एज अ ट्विनिंग पैरासाइटिक. तो इसमें इनको एक तरह के जो जिंदा पैरासाइट जो अपने मेज़बान को परवरिश के लिए जो जोड़ देते हैं ऊंचे पौधों से गजाइत हासिल करने के लिए, ये पैरासाइट जो है होस्ट कंडक्टिंग टिश्यू से अपने चूसने वाले हिस्से में घुस जाते हैं और इस तरह ये जैसे वीड्स वगैरह से इसमें से वो न्यूट्रिशन निकाल लेते हैं. इसी तरह डोडो का सूटा एक ही पत्ते वाला जो पौधा होता है जो जुड़वा पैरासाइट्स के तौर पर रहता है, ट्विनिंग पैरासाइट्स के तौर पर ये काम करता है. तो ये इसमें इस वीडियो में हमने आज इससे पिछली वीडियो में भी आपको जो पैरासाइट्स और उसकी मतलब जो काइंड थी उससे मतलब बात की, उसमें जो ये आप पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से मतलब बात की है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे दूसरे टॉपिक से मतलब बात करेंगे. ये तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूट्रिशन से मतलब जो उसकी मुख्तलिफ मेथड्स है वो आपको आपके लिए इजाफा हुआ होगा. तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़.